हम बात कर रहे हैं जोमैटो की। आज के दिन की बात करें तो फ़िलहाल स्टॉक में हमको 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 184.75 पैसे पर फ़िलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हम लगातार डिस्कस करते आए थे और कल की भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट दे गया तो 180 के लेवल को भी ब्रेकआउट दे सकता है, और 180 के ब्रेकआउट के बाद हमने 190 और 200 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। और आज की डेट में हमको 190 का जो टारगेट है हमारा हिट होते हुए नज़र आ रहा है। जोमैटो यहाँ से हमको 180 के लेवल के टारगेट दिखा चुका है, उसी लेवल के आसपास से स्टॉक छोटा मोटा हमको रिजेक्शन फेस करते नज़र आ रहा है। जोमैटो यहाँ से हमको और बड़ी तेज़ी दिखा सकता है, यहाँ से लगातार तेज़ी अब जोमैटो में हमको देखने के लिए मिल सकती है। जब रिजेक्शन लिया, गिरावट आई है, तो हम देख सकते हैं 184 के लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया। इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 184 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट जहाँ पर इससे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था तो रिजेक्शन फेस किया था, हम देख सकते हैं 180 का लेवल ये जो एक सपोर्ट का काम करेगा और तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 168 का लेवल, तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मार्केट में भी तेज़ी है, लगातार तेज़ी दिखा रहा है मार्केट भी अब हमको, और जोमैटो में भी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी तो जोमैटो ने हमको उतनी बड़ी गिरावट देखने के लिए नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने कहा था कि स्टॉक बाउंस बैक हो सकता है और अपने रिसेंट हाई यानी 176 को ब्रेकआउट कर सकता है। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने बाउंस बैक के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। यहाँ से अब हमको नज़र रखना है 190 के लेवल पर, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। इमीडिएट टारगेट बनने वाला है अपना 190 का लेवल। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 194 और 200 टेक के टारगेट जोमैटो दिखा सकता है, और इस बाउंस बैक के साथ पूरे चांस बढ़ रहे हैं कि जोमैटो 200 के लेवल को भी ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। 200 के भी आगे हमको जोमैटो टारगेट दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।